जय हिंद, जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश, एक्सरसाइज 64, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का होगा। ये काफ़ी फ्रूटफुल एक्सरसाइज है जिसमें रिलेशन बिल्ड करने के लिए पास या रखने का सेंस देता है। लेकिन आज जो है इंट्रोगेटिव में होगा, तो इसको बनाने का तरीका होगा, सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नो होगा, फिर एडजेक्टिव या नाउन होगा। ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा होगा एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट जब नोट लगेगा तो ए हो गया, एन, वन, टू, इस तरह का, या आप एनी भी आ सकता है, एनी। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो कह रहा है एक्जुलरी वर्ब ग्रुप में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट जब नो रहेगा तो एडजेक्टिव नाउन आएगा, नोट लगेगा तो एन या वन जरूर आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हमेशा किसी भी वीडियो का प्रीमियर जब हो तो आपको अपडेट मिल जाए, ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चलता है आप उससे फ़ायदा हो, और जो मन में जो फोबिया है, जो डर है, उससे बाहर निकालना है। इस स्टडी के साथ हमारे साथ आप लगे रहिए, जब भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखें, ताकि हर एक बात को क्लियर हो और नोट्स करते जाए। और जो अपने आँखों में जो सपना देखे हैं वो सपना जरूर पूरा होगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं। क्या मुझे कार है, तो बनेगा हैव आई अ कार, क्योंकि कोई यहाँ नोट की चर्चा नहीं है। हैव आई अ कार, क्या मुझे घमंड है, हैव आई प्राइड, हैव आई प्राइड। अगला है क्या हम लोग को शांति है, हैव वी पीस। आज हम सबको समझ में आ रहा है, सब जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हम अच्छे दोस्त हैं, तो बनेगा हैव वी गुड FRIENDS, तो बन गया कि हैव वी गुड फ्रेंड्स। अगला है क्या हम लोगों के पास एक कार है, हैव वी बन गया हैव वी अ कार, हैव वी अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, क्या वह एक घड़ी रखता है, हैज ही अ वॉच, WATCH। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं रहा होगा, आप अधिक से दोस्तों शेयर कर दें ताकि सबको समझ में आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और साथ ही साथ घंटा दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। क्या तुम्हारे पास समय है, हैव यू टाइम, हैव यू टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, क्या राम को घमंड है, तो बनेगा हैज राम प्राइड,
प्राइड मैंने घमंड, तो हैज राम प्राइड। क्या वे लोग अच्छी पुस्तक के रखते हैं? हैव दे गुड बुक्स, हैव दे गुड बुक्स। नेक्स्ट सवाल, क्या तुम्हें भाई हैं? हैव यू अ ब्रदर? मैंने एक की बात कर दिया, यहाँ पे लगा सकते थे ब्रदर्स भी कर सकते हैं, बड़ी बहन की हो जाएगा, चर्चा हो जाएगा। क्या आपको मित्र नहीं है? हैव यू नो फ्रेंड? हमने आपकी आर्टिकल नहीं ले रहा हूँ इसलिए नो लगा रहा हूँ। हैव यू नो फ्रेंड, या पे हो ना सकते थे हैव यू नोट अ फ्रेंड। आप इसके जगह ये भी लगा सकते हैं नोट अ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से इस बात को जानकारी नहीं मिल रहा है कि आपको मित्र नहीं है। तो हो सकता है एक मित्र नहीं है की बात कर रहा है, यह भी हो संभावना बनता है, इसलिए दोनों तरीके से बनाना संभव है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, आज सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या तुम्हें बहन है? हैव यू अ सिस्टर? हैव यू अ सिस्टर। नेक्स्ट है, क्या इस आदमी के दो बहने नहीं हैं? हैज दिस, हैज दिस मैन नोट टू सिस्टर्स? हैज दिस मैन नोट टू सिस्टर्स। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है? हैज दिस, व्यक्ति है तो पर्सन लगा सकते हैं, मैन भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आइए अब सबको समझ में आ रहा होगा, लगातार जुड़े रहें, अपना कमेंट भी करते रहें और लाइक भी दे दें। हैज दिस पर्सन, क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है? हैज दिस पर्सन नोट एनी वर्क? क्या हो गया? हैज इन पर्सन नोट एनी वर्क। याद रखेंगे आप लोग इस बार एनी, ये भी एक एडिशनल टर्म ले लिया, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया, नोट लगा दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि बहुत मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको इजीली हर एक बातों को समझ में आ सके, ताकि आपका जो भविष्य है वो बेहतर बने। तो मैंने क्या बात किया कि क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है? तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग है दिस पर्सन। अब हमने भी बताया आपको कि क्या होना चाहिए, ए एन या वन टू थ्री आनी चाहिए, नहीं है तो इस कायदे से यहाँ से टी हटा दे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि है दिस पर्सन नो एनी वर्क, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगला प्रश्न के चलते हैं, क्या तुम्हारे पास 5 रुपए है? हैव यू, क्या तुम्हारे पास 5 रुपये? हैव यू 5 रुपीज? हैव यू 5 रुपीज। नेक्स्ट सवाल, क्या राम के 4 भाई हैं? हैज राम 4 ब्रदर्स? 4
BROTHERS. हैज राम फोर ब्रदर्स. नेक्स्ट सवाल, क्या तुम्हारे पास गाय नहीं है? हैव यू नो काउ. हैव यू नो काउ या हैव यू नो काउज भी हो सकता है. आइए, अब सबको समझ में आ रहा होगा, हमारे जुड़े रहे. अगर आप हमारे साथ और कोई पीडीएफ चाहिए जो मैं रोज प्रतिदिन शेयर करता हूँ, वो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम का आईडी नंबर होगा कुमार चित्रंजन अकेडमी, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है. आप अवश्य जुड़े वहाँ पर ताकि आपको तरह तरह पीडीएफ मिल सके. अगला प्रश्न, क्या आपके पास समय नहीं है? हैव यू नो टाइम. हैव यू नो टाइम. नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है? हैव वी नो माइंड. हैव वी नो माइंड. नेक्स्ट, क्या गीता को पति नहीं है? हैज गीता. नो लगा रहा हूं क्योंकि हम आठ की लाइन ले रहे हैं. HUSBAND हो गया. हैज गीता नो हस्बैंड. नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है? अब इसको WH में चला गया तो WH में तो पहले WH को ले लेंगे. Why have Why have you no pen? कि मैंने आर्टिकल नहीं ले रहा इसलिए no. नेक्स्ट सवाल, तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है? How have you no wine? How have you no wine? नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं, सीता के पास दौलत क्यों नहीं है? Why has सीता नो वेल्थ? मैंने आज की ले लिया हूं तो हो गया. Why has सीता नो वेल्थ. आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, आप अपने मित्र तक भी शेयर कर दें ताकि सबको सीखने को मौका मिल जाए. हम लोगों को घमंड कैसे है? हाउ हाउ हैव वी प्राइड. हाउ हैव वी प्राइड. नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है? तो पहले आएगा वेन. वेन हैव यू. वेन हैव यू टाइम किसके लिए? फॉर दिस वर्क. तो बन गया वेन हैव यू टाइम फॉर दिस वर्क. नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है? Why have you? Why have you no friend? FRIEND. आइए, अब सबको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पढ़ते रहिए, कॉपी कलम साथ बैठिए ताकि आप बेहतरीन कर सके, लिख सके हर एक बातों को, रिवीजन करते रहिए. नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, सीता के पास चार गाय और दो नौकरे क्यों हैं? तो बनेगा वाई हैज. वाई हैज सीता. वाई हैज सीता फोर
काउज एंड टू सर्वेंट्स, ए सी आर वी एन टी एस। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 8789509272। आप इस पर किसी भी समय व्हाट्सएप करेंगे, जो समस्या होगा इंग्लिश से रिलेटेड आपको हम अवश्य बताएंगे। आप इस नंबर को नोट कर लें, जिसका नंबर होगा 8789509272। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है, हाउ हैव यू नो टाइम। हो गया तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है, बन गया। अगला है, मेरे पास कार क्यों नहीं है, वाई हैव आई नो कार, वाई हैव आई नो कार। नेक्स्ट सवाल, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, हैव यू टाइम फॉर मी, हैव यू टाइम फॉर मी। नेक्स्ट सवाल कहता है, क्या आपको आंखें हैं, तो बनेगा हैव यू आईज। तो आई होप ये एक्सरसाइज 64 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।